हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, आपके फेवरेट शो बैरिस्टर बाबू में इन दिनों क्या चल रहा है? जैसे कि आप जानते ही हैं कि वंदिता तो गायब हो गई हैं। हालांकि उन्हें गायब करने का मूड तो बैरिस्टर बाबू यानी कि अनिरुद्ध ने ही बनाया था। वो बचाना चाहते थे अपने काका के जुल्मों से उन्हें, लेकिन ऐसा ना हुआ। उन्हीं के भाई सोमनाथ ने उन्हें किडनैप कर लिया। वंदिता को किडनैप करने के पीछे सोमनाथ के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई दिए। जी हाँ, इस बात की जानकारी वंदिता की माँ को लग गई और वो वंदिता को बचाने के लिए पहुँची भी, लेकिन वो खुद सोमनाथ के अत्याचारों का शिकार हो गई हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से सोमनाथ चाहते हैं कि वंदिता की जबान को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। वो वंदिता को कोयला खिलाकर उनकी जबान ख़त्म कर देना चाहते हैं। उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबाने की ये कोशिश क्या सोमनाथ की कामयाब हो पाएगी? क्या हो पाएगा ऐसा जैसा चाहते हैं सोमनाथ? भाई, दो परिवारों के बीच जिस तरह दुश्मनी देखी जा रही है, वहाँ पर वंदिता और अनिरुद्ध का प्यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में आप जो देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहने वाला है। सोमनाथ की इस हरकत को कहीं ना कहीं बैरिस्टर बाबू पकड़ लेते हैं। वो तो होना ही था, क्योंकि हर फिल्म और सीरियल में अगर हीरो टाइम पर ना पहुंचे तो क्या बात है। वेल, मेकर्स ने यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्लान किया है। वंदिता को जब कोयला खिलाने की कोशिश की जाती है, तभी बैरिस्टर बाबू वहाँ पहुँच जाते हैं और वो वंदिता को बचा लेते हैं। ऐसे में सोमनाथ के साथ उनका झगड़ा हो जाता है और वंदिता के साथ भी उनकी कई सारी बातचीत होती है। उस बातचीत में आपको पता लगेगा कि आने वाले एपिसोड में किस तरह से वंदिता और अनिरुद्ध का रिश्ता रहने वाला है। वेल, वो देखने के लिए तो आपको एपिसोड देखना ही पड़ेगा, और ये बातचीत काफ़ी ज़्यादा अहम भी है। फिलहाल तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।